आज आपको जो कहानी बताने जा रहे हैं वो है बॉलीवुड के महानायक बिग बी अमिताभ बच्चन के बारे में, जो इन दोनों कौन बनेगा करोड़पति शो होस्ट कर रहे हैं। कुल मिलाकर कहानी यह है कि एक बार बिग बी का दिवाला निकल गया था। जी हाँ, बिग बी पूरी तरह से दिवालिया हो चुके थे। उनका बंगला बेचने की तैयारी चल रही थी। उनके पास जो पैसा था वो पूरी तरह से समाप्त हो गया था। उन्होंने एक ABCL करके एक संस्था बनाई थी, जिसका लक्ष्य था फिल्मों का निर्माण करना, नई प्रतिभाओं को मौका देना, और इसी के तहत उन्होंने देश भर के कलाकारों से आवेदन भी बुलवाए थे। उसके बाद एक फिल्म भी बनाई, लेकिन वह फिल्म पूरी तरह से पिट गई और उनका करोड़ों रुपए का नुकसान हो गया। ये समय आते आते अमिताभ बच्चन बॉलीवुड से पूरी तरह से बाहर हो चुके थे और उनके पास कोई काम नहीं था। ये स्थिति देखकर वे बेहद निराश थे और इसी बीच उनकी मुलाकात हुई देश के प्रसिद्ध उद्योगपति धीरूभाई अंबानी से। उन्होंने धीरूभाई अंबानी से कहा कि वे उनकी मदद करें, वे बेहद परेशानी में। इस पर धीरूभाई अंबानी ने उनसे कहा कि वे आखिर हैं क्या। तो अमिताभ बच्चन ने कहा कि वे कलाकार हैं, एक्टर हैं। तो उन्होंने कहा धीरूभाई अंबानी ने कि अगर आप एक्टर हैं तो आप एक्टिंग कीजिए, आप फिल्म बनाने के चक्कर में क्यों पड़ गए, इसी से आपको नुकसान हुआ। इसके बाद उन्होंने कहा कि अभी तो मेरे को कोई काम भी नहीं देने के लिए तैयार है। तो अमिताभ बच्चन ने जब अपनी परेशानी बताई तो धीरूभाई अंबानी ने उनसे यह कहा कि वे किसी भी तरह से अपने जो भी पुराने लोग हैं, पुराने संबंध वाले हैं, उनके पास जाकर काम मांगे, इसमें कोई शर्म ना करें। इस पर बिग बी गए BR चोपड़ा के पास। BR चोपड़ा की फिल्म उन दिनों बन रही थी बागवान। बागवान के लिए उन्होंने उनसे काम मांगा और यह फिल्म सुपरहिट रही। BR चोपड़ा ने भी उन्हें काम दे दिया और इस तरह से धीरे 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 करते करते उन्होंने अपने सारे कर्जे पूरे किए और आज की तारीख में हालत यह है कि बिग बी के पास बॉलीवुड के कई जाने माने सितारों से भी ज्यादा पैसा है। तो ये कहानी बताती है कि धीरूभाई अंबानी की सोच कितनी स्पष्ट थी। सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स।